इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो शेव करते हैं, जिन्हें दाढ़ी रखना एकदम पसंद नहीं है, और दूसरे वो जो अपनी दाढ़ी को हाथ भी नहीं लगाना चाहते। क्लीन शेव होना उन्हें गवारा नहीं है, शेविंग उन्हें एकदम पसंद नहीं है, और इन दो लोगों के बीच में हमेशा एक बहस चलती रहती है, डिबेट चलती रहती है। अब ऐसे ही दो लोग आज हमारे साथ भी हैं। भाइयों जरा आगे आना। हमारे साथ हैं अमितेश, जिनकी बहुत ही खूबसूरत सी दाढ़ी है, और जाहिर सी बात है ये शेव नहीं करते हैं, और हमारे साथ हैं रोहित, जो शेव करते हैं और जिनको दाढ़ी रखना एकदम पसंद नहीं है। सबसे पहले मैं अमितेश तुमसे पूछूंगी, शेविंग करने से तुम्हें क्या समस्या है? देखिए, मुझे चार चीज़ें हैं प्रॉब्लम जो लगती हैं। एक तो जब मैं क्लीन शेव करता हूँ ना, एक दो बार करे हैं, बहुत पहले की बात है, तब पूरा ये चेहरा ग्रीन ग्रीन सा, जैसे रोहित का अगर आप देख पाएँ वो ग्रीन ग्रीन सा हरा हरा सा चेहरा हो जाता है। दूसरा ये दिक्कत है कि अगर आप जब आप शेव करते हैं ना, तो बहुत ही हार्ड हेयर निकलते हैं, नुकीले से कटीले से लगते हैं, वो चुभते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, सख्त बाल। तीसरा, जब शुरुआत में मैंने बनाए थे तो मुहासे होते थे, तो मुझे बताया कि हाँ बार बार करोगे तो कील मुहासे निकलते हैं, वो नहीं होता है, वो दिक्कत नहीं आती है। और चौथा, जो इनग्रोन हेयर्स जो स्किन में फंस जाते हैं, वो बहुत हार्ड हेयर होते हैं, तो वो चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। तो शेव करने से बाल स्किन के अंदर जो फंसते हैं उनको इनग्रोन हेयर कहते हैं। रोहित, इसका कुछ जवाब देना है? हाँ, मुझे बिल्कुल देना है। मुझे सबसे दिक्कत ये होती है कि दाढ़ी बड़ी हो जाए थोड़ी, तो अनहाइजेनिक हो जाती है वो। दूसरा ये कि आपको अक्सर खुजली, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो खुजली होती रहती है, उसमें पसीने आते हैं, कई दफ़ा आप थोड़ा बहुत इधर उधर खा ले तो दाढ़ी में चीज़ें फंस जाती हैं, या नाक में बाल गड़ने लगते हैं। और सबसे थोड़ा अलग चीज़ कह दें तो, कभी झगड़ा हो जाता है तो दाढ़ी पकड़ के लोग मारते भी हैं। एक चीज़ और आप भूल गए, बहुत लोग ऐसा होता है कि क्योंकि दाढ़ी बहुत सख्त हो जाती है और कड़ी हो जाती है, अंदर पसीना या गंदगी फंसती है, तो दाने निकल आते हैं। दाने निकल आते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे, किसी के निकलते हैं किसी के नहीं निकलते हैं। लेकिन खुजली की समस्या वो सबको होती है, थोड़ी सी बड़ी होगी तो पसीना होगा, खुजली होगी, और कई बार दाने भी निकलते हैं। भाई साहब, आपके चारों तर्क बेकार हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि दाने, अब इनकी जो डिबेट है ये तो चलती रहेगी जैसे मैंने आपको कहा, पर आज हमारे एपिसोड में खास बात होने वाली है शेविंग की। हमने बात की डॉक्टर मनीष जांगड़ा से, उनसे ये पूछा कि क्या वाकई ऐसा होता है अगर आप शेव करते हैं तो आपके बाल बहुत ही सख्त और कड़े हो जाते हैं, स्किन हरी हो जाती है। जो लोग पहली बार शेव कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी शेव करना शुरू किया है, उनको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपके दाने हो जाते हैं, आपको स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या है, तब आप अगर शेव करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए? तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर मनीष जांगड़ा क्या बता रहे हैं। Brought to you by Sensodent K. बस पैक ने SLS पैराबेन और टूट का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। देखिए, शेविंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। शेविंग करने से हमारे चेहरे पे एक्ने और ब्लैक हेड्स कम हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे जो डस्ट या डर्ट जम जाती है शेविंग से वो काफ़ी निकल जाती है, और साथ में हमारी स्किन की जो डेड स्किन है वो निकल जाती है, और हमारी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है शेविंग करने से, जिससे हमारी स्किन काफ़ी शाइनी और यूथफुल दिखाई देती है। और शेविंग करने से हमारे चेहरे पे जो फाइन रिंकल्स और लाइन्स दिखती है वो काफ़ी हद तक कम दिखती है। और दूसरा, शेविंग करने से हमारी जो स्किन है ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारी स्किन हाइड्रेट और काफ़ी ब्राइट दिखती है। शेविंग करने से हमारी स्किन काफ़ी इरिटेट हो सकती है, रेड हो सकती है, काफ़ी रेजर बर्न हो सकते हैं अगर अच्छी तरह का रेजर यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा, शेविंग करने से इंग्रोन हेयर की भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इंग्रोन हेयर बेसिकली जब हम शेविंग करते हैं तो जो बाल का दूसरे वाला एंड होता है वो दोबारा हेयर फॉलिकल में एंट्री कर जाता है, तो इसे हम इंग्रोन हेयर बोलते हैं। ये काफ़ी पेनफुल होता है। देखिए, डेली शेविंग करने से हमारे जो बाल हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो इनिशियली थिक हो जाते हैं क्योंकि उनका जो दूसरा एंड होता है ब्लंट होता है, तो हमें डेली शेविंग अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डेली शेविंग से कई बार रेडनेस और बर्न हो जाता है। सबसे बेस्ट मेथड है हम शेविंग अल्टरनेट डे करें, क्योंकि इससे हमारी शेविंग जो है अल्टरनेट डे करने से हमारी स्किन को हील करने में टाइम मिल जाता है। और डेली शेविंग करने से ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, डल ब्लेड से करने से, ज़्यादा प्रेस करने से कट लग सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और डेली शेविंग करने से हमारे इरिटेशन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है आपके बाल कैसे हैं, आपके बाल थिन हैं या काफ़ी कम हैं, तो आपको हफ्ते में एक बार शेविंग करना है।
अगर आपकी स्किन बड़ी सेंसिटिव है तो आप डेली शेव को अवॉइड कीजिए और अल्टरनेट डे शेव कीजिए ताकि एक दिन स्किन को हील करने में भी टाइम मिले। और जब आप शेविंग करते हैं उससे पहले आप अपने बालों को गर्म पानी से अच्छे से वॉश करें ताकि वो बाल जो सॉफ्ट हो जाएं। और जब आप शेविंग करते हैं तो आप अपने बालों में एक अच्छी सी शेविंग क्रीम लगाएं ताकि आपके बाल और सॉफ्ट हो जाएं, तो शेविंग करते वक्त दिक्कत ना हो। और जब आप शेविंग करते हैं तो कोशिश करें सिंगल रेजर को यूज करें अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। अगर आप न्यू कमर हैं तो सिंगल रेजर से बेसिकली कट लगने के चांसेस कम रहते हैं। उसके अलावा जब आप शेविंग करें तो उसकी जो रेजर की डायरेक्शन है वो हेयर की डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए ताकि इरिटेशन उसमें कम होता है। उसके अलावा जब आप शेविंग ख़त्म कर लें तो उसको अच्छे से पानी से धोएं और उसके बाद आप एक मॉइस्चराइज़र लगाएं और एल्कोहल फ्री मॉइस्चराइज़र आप उसके लिए यूज करें। ना ही ज़्यादा तेज प्रेस करना चाहिए ना ज़्यादा जेंटली प्रेस करना चाहिए। शेव करने और नहीं करने दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं नुकसान हैं, पर अगर आप शेव करते हैं तो डॉक्टर साहब की टिप्स ज़रूर फॉलो करिए, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और कोई समस्या भी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। रात में सोते हुए मुंह से लार टपकती है, डॉक्टर से जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कब सीरियसली लेना ज़रूरी है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, रात में मस्त नींद आई, सुबह आँख खुली तो एहसास हुआ सोते हुए मुंह से लार टपकी है और तकिए पर निशान बन गए हैं। अब ऐसा हम सबके साथ कभी ना कभी तो हुआ ही है, अगर ये अक्सर होता है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर पीयूष मिश्रा का कहना है कि अगर रोज़ रात को आपके मुंह में खूब लार बन रही है, साथ ही आप नाक के बजाय मुंह से सांस ले रहे हैं, खर्राटे भी तेज़ ले रहे हैं, गला बार बार चोक होता हुआ महसूस हो रहा है, दिन भर थकान रहती है, तो आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। स्लीप एपनिया में सोते वक्त बार बार 10 सेकंड के लिए सांस रुक जाती है, एक रात में ऐसा कई बार हो सकता है और ये गंभीर स्थिति है। स्लीप एपनिया से व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या एलर्जी है जैसे कि सर्दी, गले में खराश, तब शरीर ज़्यादा लार बनाता है ताकि वो अंदरूनी गंदगी को साफ कर सके और वो लार के ज़रिए बाहर निकल सके। ऐसे में भी आपकी लार ज़्यादा टपक सकती है, हालांकि दिक्कत ठीक होने के बाद लार टपकना अपने आप बंद भी हो जाती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी सोते हुए मुंह से लार टपकने लगती है, जैसे कि सिलोरिया। सिलोरिया यानी मुंह में ज़रूरत से ज़्यादा लार का बनना। ऐसा होने पर मुंह की अंदर की लार होठों तक आ जाती है और फिर बाहर टपकने लगती है। जिन्हें पार्किंसंस डिजीज़ है या फिर सेरेब्रल पॉल्सी होती है उनके मुंह से भी बहुत ज़्यादा लार टपकती है। जिन लोगों को GERD यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है उनको भी सोते समय यह समस्या होती है। देखिए GERD एसिडिटी जैसा ही होता है लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और ये जल्दी ठीक भी नहीं होता। इसमें पेट का एसिड ऊपर की ओर आने लगता है जिससे खाने की नली को नुकसान पहुंचता है। तो अगर आपको खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, गले में गांठ महसूस हो रही है और लार भी ज़्यादा बन रही है तो हो सकता है आपको GERD हो। इसके अलावा कुछ दवाओं की वजह से भी सोते समय लार टपक सकती है, जैसे अगर आप अल्जाइमर्स की दवा खा रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीसाइकोटिक दवाएं ले रहे हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट के रूप में लार टपकने लगती है। एक चीज़ और, अगर आपकी स्लीपिंग पोजीशन ठीक नहीं है यानी अगर आप करवट लेकर सोते हैं या पेट के बल सोते हैं तो ग्रेविटी की वजह से लार आपके मुँह से बाहर निकलने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि आप पीठ के बल ही सोएं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। वजन घटाने के चक्कर में कम खाना खा रहे हैं, अगर आपने ये गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ज़्यादातर लोग जब वज़न घटाने की ठानते हैं तो सबसे पहले खाना खाना कम कर देते हैं। कोई रात का खाना छोड़ देता है, कोई दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लगता है ये वज़न घटाने का सबसे आसान तरीका है, पर यह तरीका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। क्यों और कैसे, यह हमें बताया डाइटिशियन अनु अग्रवाल ने। डाइटिशियन अनु कहती हैं कि जब आप कम खाते हैं तो शरीर को कैलोरीज भी कम मिलती हैं, साथ ही कई बार शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक और कुछ विटामिन्स। इससे शरीर को काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाती, लिहाजा शरीर के काम करने की जो क्षमता है वो घट जाती है। ऐसे में खुद को बचाने के लिए शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, यानी शरीर में जो फैट है उसे बचाए रखने के लिए मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है ताकि जब भी एनर्जी की ज़रूरत हो वो हमें फैट से मिल पाए। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नई कोशिकाएं बनाने और पुरानी को बचाए रखने का काम।
अब जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है उनका वजन बहुत धीरे धीरे घटता है क्योंकि कैलोरीज बर्न नहीं होती, वो फैट के रूप में जमा हो जाती हैं। वहीं जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनका वजन तेज़ी से घटता है। आपने सुना होगा कई बार रोज़ जिम जाने, डाइट करने के बाद भी लोगों का वेट कम नहीं होता, कई बार लोगों के कम खाने के बावजूद उनका वजन घटने के बजाय बढ़ने लगता है। इस सब के पीछे वजह जो है वो है स्लो मेटाबॉलिज्म। बहुत कम खाने से मांसपेशियों की ताकत जो है वो भी घटने लगती है, इसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, यानी फिर कैलोरीज बहुत धीरे धीरे बर्न होती हैं, जैसे वेट लॉस नहीं हो पाता, उल्टा वजन बढ़ने लगता है। एक बात तो और, कम खाने से हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे क्रेविंग्स बढ़ने लगती हैं, यानी कुछ खाने का बहुत तेज मन करना। हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है, जिससे हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं और इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। कई लोगों को कब्ज की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा जिन्हें खूब खाने की आदत होती है, जब वो अचानक खाना कम कर देते हैं तो इसका असर उनके मूड पर भी पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हॉर्मोन जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं वो खून में ज्यादा बनता है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से वजन भी बढ़ने लगता है, खासकर पेट और कमर वाले एरिया में। इसलिए अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो खाना स्किप करने से बेहतर एक बैलेंस्ड मील लीजिए, यानी हेल्दी खाना खाइए ताकि शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। फ्राइड खाना, जंक फूड और देर रात खाना एकदम बंद कर दीजिए। साथ ही एक्सरसाइज जरूर करिए ताकि आप हेल्दी तरीके से वजन घटा सके। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।